एक समर सिंह है, कलाकार जी, है जी जी, और यही सुनाई दे रहा है कि इन्हीं लोग ने उनके हत्या की है। जी, उनकी माता बोल रही हैं। उनके माता बोल रही हैं जी कि समर सिंह हमारे बिटिया को मरवा दिया। जी, जो भी कोई कार्य कर रही है हिम्मत के साथ करे। जी, जब तक हिम्मत नहीं बनाएंगे जी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहा जाता है ना कि हाथी चलती जा रही है, पीछे पीछे कुत्ता भोंकता जी, जी, है। तो उन लोगों की भोंकने की आदत है जी, तो किसी की भोंकने से क्या डर जाती है? हाथी नहीं डरती है, वो आगे अपना कदम बढ़ाती रहती है। लेकिन नहीं, वो आकांक्षा बिटिया के लिए जी, मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब से यही निवेदन करूंगी कि बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में जी, उनको शरण मिले जी, उनकी आत्मा को शांति मिले। आज हमारे चैनल पर मिशन के बहुत ही अच्छी कलाकार सुमिता चंचल जी आई हुई हैं। मैम, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करती। जी मैम, मेरा क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि आप महिला होने के नाते भी और एक कलाकार का सदस्य होने के नाते भी, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि आकांक्षा दुबे एक एक्ट्रेस थी जिनकी उन्होंने आत्महत्या कर लिया एक सारनाथ होटल में वाराणसी के। जी, लोगों का कहना है कि वह आत्महत्या की है, मगर उनके घर वालों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। तो मैम, उनको क्या बताना चाहेंगे कि उनकी हत्या की गई है, कि वो आत्महत्या की है, कि उनके परिवार को क्या सांत्वना देना चाहती हैं? सबसे पहले बाबू जी, आप जिस हिसाब से पूछ रहे हैं जी, इस बात को सुनकर हमको भी दुख हो रहा है जी। लेकिन मैं भी एक कलाकार हूँ जी, मैं भी एक औरत हूँ, लड़की हूँ जी। हम भी जब अपनी शुरुआती दौड़ की ना जी बिरहा गाने के लिए जी, कितने लोगों ने हमको अच्छा बुरा भला कहा जी, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनी जी। अपने मेहनत, अपने बदौलत जी मैं यहाँ तक आई हूँ जी, कि आज हमको बहुजन समाज पूरे प्यार दुलार सम्मान लोग देते हैं और अपने घर बुलाते हैं जी। तो ये नहीं हुआ कि मैं कलाकार हूँ, मैं तो कलाकार एक व्यक्ति हूँ ना जी। हमको कलाकार बुलाएंगे तो हमको जाना ही पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा, अकेले तो हम कर नहीं पाऊंगी जी, सहारा लेना ही पड़ेगा ना जी जी। तो ये नहीं है कि कोई कुछ कर दिया तो अपने आप को अपने जान दे दे, प्राण दे दे जी। अगर ऐसे कर लिया जी तो अपने आप को कमजोर हम अपने आप बन जाएंगे जी जी। नहीं नहीं, औरतें तो मैम बहुत, तो मेरी यही बात समझ में नहीं आती कि आखिर सुनने को मिल रहा है कि उनका आत्महत्या किया गया जी, और ये भी हमको सुनने को मिली कि एक समर सिंह है, कलाकार जी, है जी जी, और यही सुनाई दे रहा है कि इन्हीं लोग ने उनके हत्या की है जी, उनकी माता बोल रही हैं, उनके माता बोल रही हैं जी कि समर सिंह हमारे बिटिया को मरवा दिया जी। लेकिन नहीं जी, इस बात पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती जी, ये भारत की न्याय है जी, और मैं यही चाहूंगी जी कि बस उस लड़की को ये भारत से न्याय मिले जी। हाँ जी। और उसको ये भी नहीं चाहिए था कि हम किसी का बात सुन ले तो अपने आप को कमजोर बन जाए और आत्महत्या कर ले जी, नहीं। लेकिन मैं वो आकांक्षा बिटिया के लिए जी, मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब से यही निवेदन करूंगी जी, कि बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में जी, उनको शरण मिले जी, उनकी आत्मा को शांति मिले जी। उनकी माता का कहना है कि लोग काम करवाते थे और उस लड़की को बहुत प्रताड़ित करते थे, पैसा नहीं देते थे, तो उनकी माता की बातों में क्या सच्चाई है मैम? अब देखिए, आदमी अगर सामने रहता जी तो उसका कुछ जी जी कुछ तो मालूम चलता कि क्या, मालूम चलता कि क्या सही है क्या, क्या गलत गलत है। वो तो है नहीं, अब तो वो तो है नहीं जी, तो अब जो कह रही है तो अब कैसे माना जाएगा जी, बताइए जी।
उनके बात का कोई वो नहीं है? नहीं जी मैम। तो अपने समाज की लड़कियों के लिए, जैसे देश की और भी लड़कियां जो हैं, जो अभी मेहनत कर रही हैं जी कलाकारी दुनिया में आने के लिए, जो गायकी है चाहे एक्ट्रेस है, उनको क्या बताना चाहती हैं मैम? आप भी एक महिला हैं। उन लोगों को मैं तथागत से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग जो भी कोई कार्य कर रही हैं, हिम्मत के साथ करिए जी। जब तक हिम्मत नहीं बनाएंगे जी, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहा जाता है ना कि हाथी चलती जा रही है, पीछे पीछे कुत्ता भोंकता जी, जी, है। तो उन लोगों की भोंकने की आदत है जी, तो किसी की भोंकने से क्या डर जाती है? हाथी नहीं डरती है, वो आगे अपना कदम बढ़ाती रहती है जी। तो ऐसे हिम्मत बना करके आगे बढ़ना, बढ़ने का प्रयास करना होगा, यही मेरी निवेदन है जी मैम। बहुजन समाज की बीटीएन की जी, आपकी बातों से महिला समाज में एक जीवता की काम करेगी ये आपकी बातें जी, ये बातें आपकी पहुंचाया जाएगी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए मैम। सादर नमस्कार जी।